हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा आपने थंबनेल देख लिया होगा, जो आज का हमारा टॉपिक है, इस वीडियो में कवर करने वाला हूं कि एमए मैथमेटिक्स क्या होता है, उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। कोई भी किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, एमए मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई काफ़ी सारी वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर है। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। देखिए, एमए मैथमेटिक्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर एमए मैथमेटिक्स के बारे में बताइए, या एमए एमएससी मैथमेटिक्स में क्या अंतर होता है मेरे को वो बता दो, या हमें एमए मैथमेटिक्स करनी है या एमएससी मैथमेटिक्स करनी है कि मेरे को ये बता दीजिए क्या करनी है, क्या करना है, ठीक है। तो देखो, ये पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई अलग सा स्ट्रीम नहीं है। जैसा आपका एमएससी मैथमेटिक्स करते हैं पीसीएम वाले बच्चे, जो साइंस साइड वाले बच्चे हैं वो करते हैं, तो सेम एज इट इज क्या होता है, ऐसी आपकी एमए मैथमेटिक्स होती है जो कि आर्ट साइड वाले बच्चों के लिए बनाएगी। तो यहां से एक बात पहली ये क्लियर होगी कि जो एमए मैथमेटिक्स होगी उसमें स्ट्रीम बेटा जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा आपका आर्ट साइड, आ रही है बात समझ में। और जो एमएससी मैथमेटिक्स होगी उसमें भरा जाता है साइंस साइड, आ रही बात समझ में। तो ये कोई अलग से स्ट्रीम नहीं है, स्ट्रीम यहाँ पर आपका आर्ट्स लगता है। अब देखो, पेपरों में क्या अंतर होता है, सिलेबस सेम होता नहीं होता, ये सारी बात मैं आपको बता दूं। देखो, सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, जैसा आपकी जो एमएससी में जो आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो ऐसे ही आप एमए में पढ़ते हो, वही सेम मैथमेटिक्स की बुक्स आपको एमए मैथमेटिक्स में भी पढ़नी होती है जो एमएससी मैथमेटिक्स में होती है। अब कौन कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते, देखो जिन बच्चों ने बीएससी करी है, पीसीएम ग्रुप से बीएससी करी है या बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स करी है, तो वो बच्चे करेंगे आपका एमएससी, क्या करेंगे वो एमएससी करेंगे। और जिन बच्चों ने आपकी बीए मैथमेटिक्स करी है या बीए ऑनर्स मैथमेटिक्स करी है, तो वो बच्चे करेंगे एमए मैथमेटिक्स। जैसे काफी बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमने बीए मैथमेटिक्स करी है, क्या हम एमएससी कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो जो आपकी एमए मैथमेटिक्स होती है वो इक्विवेलेंट ही होती है आपकी एमएससी मैथमेटिक्स की, ये आप बिल्कुल जान लीजिए। मतलब जो आपकी एमए मैथमेटिक्स होती है वही आपकी बिल्कुल सेम इक्विवेलेंट होती है आपकी एमएससी मैथमेटिक्स के, आ रही बात समझ में। फर्क इतना होता है, जैसे हम बीए करते हैं तो बीए के बाद करते हैं एमए, जैसे बीएससी करते हैं बीएससी के बाद करते हैं एमएससी, ये बात क्लियर जान लीजिए। फिर एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर हम टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं नहीं दे सकते, तो देखो टीजीटी का भी आप एग्जाम दे सकते हो और पीजीटी का भी, पर टीजीटी में क्या क्राइटेरिया होता है, टीजीटी में आपकी बीएड और होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन के साथ आपकी बीएड हो, फिर आप उसमें, मतलब उसमें तो आपका एमए मैथमेटिक्स का कोई रोल होता ही है ही नहीं। पर जब आप पीजीटी देते हो तो पीजीटी में क्या होता है, ग्रेजुएशन और पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, तो वहां आप पीजीटी का एग्जाम भी दे सकते हो। फिर ये भी पूछते हैं कि मैथ्स के टीचर बन सकते हैं नहीं बन सकते, बिल्कुल आप मैथ्स के टीचर बन सकते हो, ये बात आप जान लीजिए। अब देखो, जैसे काफी बार बच्चे एक चीज पूछते हैं कि सर मेरे को ये बता दीजिए, मैंने बीए मैथमेटिक्स करा है या एमए मैथमेटिक्स करा है, कि हमारा जो स्ट्रीम लगेगा, जैसे बीएड हम करते हैं तो बीएड में जो स्ट्रीम लगेगा कौन सा लगेगा, स्ट्रीम आपका आर्ट लगेगा। जैसे पूछते हैं कि सीटेट में बताइए सर, सीटेट में जो स्ट्रीम वाला ऑप्शन आता है, जो 6 to 8 वाले टीचर्स की जो वैकेंसी आती है उनके लिए जो स्ट्रीम लगता है, वो भी स्ट्रीम आपका आर्ट ही आपको वहां भरना है। जैसे दो ऑप्शन आते हैं साइंस और आर्ट, तो वहां आपको आर्ट से ही भरना है। काफी स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर हम तो साइंस भरकर हम पेपर देकर आ गए, तो उसमें मैं आपको बता दूं, मेरे एक स्टूडेंट के साथ ही सेम कंडीशन हो गई थी, तो वहां क्या है कि जो स्ट्रीम है वो आर्ट ही आपको भरना है और आर्ट का ही पेपर आपको देना है, मैथ्स वाला पेपर आप नहीं दोगे। अब देखो, टीचर मैथ्स के कैसे बनोगे, उसमें टीचर ऐसे बनोगे जो आपके बीएड में पेडागोजी सब्जेक्ट जो हम सेलेक्ट करते हैं, बीएड में जो पेडागोजी सब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं, दो पेडागोजी सब्जेक्ट होते हैं जो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं हमारे। अब देखो, जैसे किसी बच्चे ने बीए मैथमेटिक्स करी है तो उसमें मैथ्स तो है, मैथ्स के साथ दो या तीन या जो भी इंटरनली या जो एक्सटर्नली आपने सब्जेक्ट लिए होंगे, तो उसमें एक सब्जेक्ट आपको वो सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर बच्चे पूछते हैं कि सर कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, बहुत सारे कॉलेजेस में कॉम्बिनेशन नहीं है या कॉम्बिनेशन को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो देखो मैं आपको बता दूं, जैसे मैथ्स के साथ आपका फिजिकल का भी कॉम्बिनेशन बन जाता है, मैथ्स के साथ आपका हिंदी का भी कॉम्बिनेशन बन जाता है, मैथ्स के साथ आपका उसका एसएसटी का भी कॉम्बिनेशन बन जाता है, हिस्ट्री वगैरह का, तो ये चीज आपको कॉलेजेस में जाकर पता करनी पड़ेगी। अपने स्तर पर आप एक बार जाओ और वहां जाके पता करो कि सर आपके यहाँ या मैम आपके यहाँ ये कॉम्बिनेशन अवेलेबल है या नहीं है। जैसे मैं गाजियाबाद में रहता हूँ तो गाजियाबाद में देखिए काफी कॉलेजेस में जैसे मैथ्स के साथ हिंदी का कॉम्बिनेशन बन जाता है, मैथ्स के साथ फिजिकल का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो इन सब का कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पर। अब देखिए, आप जहां से भी ये वीडियो को देख रहे हैं वहां एक बार आप अपने लोकेलिटी में जाकर पता कीजिए कॉलेजेस में। देखो, ये आपकी एक लाइफ का बहुत बड़ा निर्णय है, जब भी आप कोई कोर्स करते हैं या आप इतना पैसा खर्च करते हैं तो
हमेशा बहुत सोच समझ के आपको लेना, मेरी वीडियो देख के नहीं या किसी और यूट्यूबर की वीडियो देख के नहीं कि भाई देखो हमारा क्या, हमने तो जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी वो हमने डाल दी, पर आपको अपने स्तर पर भी काफ़ी सारी चीज़ें पता करनी होती हैं और वो सारी चीज़ आप जब भी पता कर पाओगे जब आप कॉलेज में खुद अपने स्तर पर जाकर पता करोगे। जैसे बहुत सारी देखो इस टॉपिक के बारे में आप देखोगे यूट्यूब पर डाल ही नहीं रखी किसी ने वीडियो, बहुत से बहुत बहुत बड़े विद्वान टीचर हैं पर उन्होंने इस टॉपिक के बारे में नहीं डाल रखी और काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं, काफ़ी सर्चिंग लिस्ट में मैंने यूट्यूब में जाकर देखा जो बच्चे चीज़ें सर्च करते हैं, मैंने खुद देखा वो एमए मैथमेटिक्स को लेकर बीए मैथमेटिक्स को लेकर या सीटेट में जो ये कर लेते हैं उसके बाद सीटेट में जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है उनके रिगार्डिंग काफ़ी कुछ सर्च करते हैं और किसी भी टीचर्स ने इतना अच्छा खुलकर नहीं बता रखा। तो देखो ये चीज़ भी देखना, हमारी वीडियो में मैंने आपको ज़्यादातर चीज़ें क्लियर करने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। और देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अब बच्चे पूछते हैं सर इनके बीच में डिफरेंस तो बताओ क्या होता है, देखो डिफरेंस कुछ नहीं होता, पेपर भी एक ही दिन होगा एमए मैथमेटिक्स वालों का भी एमएससी मैथमेटिक्स वालों का भी, फर्क केवल इतना होता है जैसे मान लीजिए एमए मैथमेटिक्स का कोई पेपर 100 मार्क्स का है, एमएससी मैथमेटिक्स का कोई पेपर 100 मार्क्स का है तो सेम एज इट इज एमए मैथमेटिक्स का वही पेपर 50 मार्क्स का होगा, एक ही दिन होगा एक ही शिफ्ट में होगा पेपर भी एक जैसा ही आएगा, बस क्या होगा अगर कोई एमएससी में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो एमए मैथमेटिक्स में वो 2 नंबर का पूछा जाएगा। आ रही है बात समझ में, जैसे आपकी बीएससी 2400 नंबर की है तो जो आपकी बीए होती है 1200 नंबर या 1100 नंबर की, मतलब हाफ हो जाता है जो भी क्राइटेरिया होता है वो हाफ हो जाता है। अब किसी भी यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो बेसिकली, देखो मैंने जिसके माध्यम से बनाई वो तो सीसीएस यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के माध्यम से वीडियो बना रहा हूं मैं और उसके बिहाफ पर मैंने सारी चीजें सर्च करी है, उसी के माध्यम से मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। और बेसिकली अगर किसी भी अदर यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो अदर यूनिवर्सिटी में भी यही क्राइटेरिया होता है ज्यादातर जितना मैंने सर्च किया है इस टॉपिक के बारे में। फिर भी अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है फिर भी कोई डाउट है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके पूछें, पर एक बात मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो कोई भी निर्णय लेना बहुत सोच समझ कर लेना क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो बीए मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं वो इस उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी और मैथ्स में हमारा काफी इंटरेस्ट है तो इस वजह से कर लेते हैं, या कि बीए भी हो जाएगी हमारी और साथ में हम कंपटीशन वगैरह की तैयारी भी करते रहेंगे और हमारा मैथ्स के प्रति जो प्रेम है वो भी लगा रहेगा कि मैथ्स हमसे नहीं छूटेगी। तो इसमें देखिए काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हो जाते हैं काफी बार, जैसे एमएससी में तो देखो सीधा सा है कि एमएससी आपने करी एमएससी मैथमेटिक्स तो वहां अगर डायरेक्टली पूछा गया कि कोई ग्रेजुएशन तो वहां तो आप एमए एमएससी दोनों एलिजिबल हो जाओगे, पर काफी जगह ऐसा होता है जहां हम वहां डायरेक्टली पूछा जाता है कि एमएससी मैथमेटिक्स ही आपकी होनी चाहिए, जैसे केवीएस वाले फॉर्म निकलते हैं तो केवीएस वाले फॉर्म में भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को। तो मैं आपको यही सारी चीज बता रहा हूं, इसके बारे में पहले अच्छे से जानो समझो और कोई भी क्वेश्चन हो देखो इंस्टाग्राम आईडी भी है वहां आप आके पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज फेसबुक ग्रुप है मैथमेटिक्स वर्ल्ड के नाम से वहां आप आके पूछ सकते हैं, कमेंट करके कोई भी चीज पूछ सकते हैं, पर देखो कुल मिलाकर आपके डाउट क्लियर होने चाहिए, अगर डाउट आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं और आपने ले लिया तो फिर बाद में आपको ऐसा ना हो कि कुछ पछताना पड़े। तो बाकी बस यही आप लोगों को एक संदेश देना था, काफी कुछ मैंने क्वेश्चन आपके डाउट वगैरह क्लियर करने की कोशिश करी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कोई भी अगर आपको कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को प्रेस करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव या इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, थैंक यू।